क्रोस चलने लगा है। क्वेश्चन आवर ओवर। फर्दर डिस्कशन ऑन द वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑन 5 अगस्त 2024 श्री अमरपाल मौर्या हैड नॉट कंक्लूडेड हिज स्पीच व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन। I now call upon Sri Amarpal Maurya to continue his speech. Sri Amarpal Maurya. अध्यक्ष महोदय, कल सदन का समय पूरा होने के पहले कुछ समय मिला था। माननीय उपसभापति जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं और आज पुनः समय मिला महोदय, इसके लिए भी धन्यवाद करता हूं। महोदय, मैं कल कह रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत छोटे छोटे कदम, जब से सरकार बनी है, उन्होंने केंद्रित किया और उसी दृष्टि में वो छोटे कदम बहुत बड़े नतीजे देते हैं। मोदी जी ने एक छोटा आंदोलन एलईडी बल्ब के लिए चलाया था और वो आंदोलन इतना परिणामकारी सिद्ध हुआ। उसका परिणाम ये निकला कि करोड़ों परिवारों को एलईडी बल्ब देने की जब योजना चली, उस एलईडी बल्ब के माध्यम से 45 बिलियन यूनिट ऊर्जा की बचत हुई। ये है नरेंद्र मोदी सरकार की दृष्टि। उन्होंने छोटे विषयों को केंद्रित किया और इतना ही नहीं महोदय, उन्होंने कहा विकास भी और पर्यावरण भी, दोनों को साथ में जोड़ने का काम किया और उन्होंने एक अभियान लिया, एक पेड़ माँ के नाम, जिसमें पूरा देश आज सहभागी बना हुआ है। और उस सहभागिता का ये परिणाम है कि पर्यावरण की संरचना की जो उनकी कल्पना है, वो आने वाले समय में बड़े रूप में जो है इसकी सिद्धि प्राप्त होगी, जिससे पवन ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया स्रोत जो है डेवलप होगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के पर्यावरण के प्रति, ग्रीन एनर्जी के प्रति उनकी सोच को जो है दर्शाता है। और प्रकृति का संकट महोदय किसी एक देश का संकट नहीं है, अपितु ये पूरे विश्व का संकट है। और हमारी तो धारणा हजारों साल पहले से रही है वसुधैव कुटुंबकम की, कि विश्व एक परिवार है। इसको हमारे जो है पूर्वजों ने हमको, आने वाली पीढ़ियों को ये ज्ञान दिया है। महोदय, जब भारत की आज़ादी प्राप्त हुई तो भारत की आज़ादी के प्राप्त होने के बाद देश को प्रकृति केंद्रित विकास की आवश्यकता थी। जिस तरफ सरकारों का ध्यान जाना चाहिए था, भारत को भारत के नज़रिए से सोचने की आवश्यकता थी, उस समय की सरकारों ने भारत को अमेरिका और इंग्लैंड बनाने का सपना दिखाया, जबकि ये भारत सुदूर गांव के क्षेत्र में बसता था। उस गांव में रहने वाला जो किसान था, उस गांव में रहने वाला जो मजदूर था, जो नौजवान था, उसके दिशा में सोचने की आवश्यकता थी देश की आज़ादी के बाद से ही। महोदय महोदय, हमारे यहाँ तो प्रकृति ने हमको जीवन में सब कुछ सिखाया है। उस समय की सरकारों ने प्रकृति से ही ज्ञान ले लिया होता, जल देवता थे, पवन बिजली की चिंता करते उनसे, पवन देवता थे, पवन चक्की की चिंता करते, और तो और महोदय सूर्य देवता थे, उनसे ही कुछ शिक्षा ग्रहण कर लिए होते, लेकिन उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया महोदय। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि में गांव का गरीब नहीं था, गांव का किसान नहीं था, गांव का नौजवान नहीं था। और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सर्वांगीण विकास की जो उन्होंने परिकल्पना किया था, जिस दिन
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा था और बनने के बाद जब उद्घाटन का दिन आया उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम सूर्य घर योजना को लॉन्च किया, क्योंकि उनकी दृष्टि में किसान भी था, गरीब भी था, नौजवान भी था। महोदय इतना ही नहीं, लक्ष्य एक रखा कि इस पीएम किसान सौर बिजली के माध्यम से 1 करोड़ परिवार के लोगों को इस योजना के तहत जोड़ने की लक्ष्य उन्होंने बनाया। और महोदय आज लगभग 1,28,00,000 से अधिक इसमें पंजीकरण हो गया है, लगभग 14,00,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो गए हैं। महोदय सूर्य भगवान तो सब पे कृपा करते हैं, शिक्षा देते हैं, उनसे ग्रहण करने की आवश्यकता थी। हमारे यहाँ तो कहते हैं बजरंगबली जी सूर्य से शिक्षा ग्रहण करने गए थे, कुछ उनके जीवन से ही प्रेरणा ले लिए होते। और जब सूर्य से शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए हनुमान जी तो उनको 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त हुई। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके विषय में कहा अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। यह उनका ज्ञान था, कुछ उनसे ज्ञान लिए होते और उस ज्ञान का इतना परिणाम महोदय अच्छा हुआ कि जब वो लंका में गए, माता सीता का पता लगाने के लिए गए, भगवान राम ने उनको भेजा तो माता सीता का पता तो लगाया लेकिन उनके ज्ञान की दृष्टि देखिए कि वो स्वयं ही टेक ऑफ किए और स्वयं ही लैंडिंग किए। और जो उन्होंने लंका में जो है किया कि तेल रावण का, कपड़ा रावण का और लंका रावण की, और जलेबी जो है सोने की लंका वो भी रावण की थी, ये इनसे भी अगर शिक्षा लिए होते तो देश के किसानों का, देश के नौजवानों का आज जो देश की आजादी के बाद जो बिजली के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में आज जो समस्याएं इनके कार्यकाल में दी गई थी वो समाप्त हो गई होती पहले ही साथियों। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तय किया, चूंकि वो एक गरीब के परिवार में जन्म लिए थे, उनके केंद्र बिंदु में गरीब था, गरीब का बेटा, अगर उसको, महोदय मैं बताना चाहता हूँ मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं सब्जी बेचने वाला खुद हूँ, मैंने जीवन में अपने सब्जियाँ उगाई साथ महोदय। और इतना ही नहीं, हमारे घर में ट्यूबवेल नहीं होता था तो हम राहत चला करके भी खेतों की सिंचाई करते थे, पढ़ने के लिए हमारे पास बिजली की व्यवस्था नहीं थी तो हम जो है दीपक में मिट्टी का तेल डाल करके पढ़ते थे महोदय। और इतना ही नहीं, आज मेरी आंखों में जो चश्मा लगा है उसका कोई अगर जो है दोषी है महोदय तो इस सत्ता पर राज करने वाले देश की आजादी के बाद ऐसे परिवार के लोगों के कारण है महोदय। और इतना ही महोदय, हमारे जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब पीएम सूर्य घर की योजना का जो है लॉन्च किया तो आज पीएम सूर्य घर योजना इतना व्यापक होगा, पीएम सूर्य ऊर्जा का उदय और भारत का उदय ये दोनों एक साथ हो करके रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार की जो है प्राथमिकता में है महोदय। कोई भी राहु हो या केतु हो, चाहे जितने भी ग्रहण लगाने की कोशिश करेंगे वो कभी भी इस पे सफल नहीं हो पाएंगे। आपका मेडन स्पीच है पर 2 मिनट और खत्म करें महोदय, मैं जल्दी ही समाप्त करना चाहूंगा। महोदय जो मोदी जी ने लक्ष्य तय किया है, जो मोदी जी का लक्ष्य है हरित भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत, ये विकसित भारत, इस विकसित भारत की कल्पना जो मोदी जी ने तय किया था, उन्होंने कहा था कि ये लक्ष्य देश के सब नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, माताओं को, बहनों को तय करना है अपने जीवन में। वो लक्ष्य कैसा होगा आने वाले समय में कि पूर्ण प्रखरतम उज्ज्वल रविषम, विकसित राष्ट्र साकार प्रकट हो, सुखी सबल समरस भारत हो, एक दिशा में हो प्रयासरत, राष्ट्र समूचा चले विजय पथ, जग में गूंजे जय जय भारत, जग में गूंजे जय जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। बहुत धन्यवाद माननीय श्री अमरपाल मौर्य जी।
नाउ ऑनरेबल